हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी से जो आरओ और एआरओ की वैकेंसी आई थी, इसका जो री एग्ज़ाम 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, इससे संबंधित जो एक ऑफिशियल नोटिस है वो देखने को मिल रहा था। हालांकि ये जो नोटिस था वो लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया, बल्कि ये एक जो प्रक्रिया है उसके तहत जो नोटिस भेजे जाते हैं, तो वही जो नोटिस है वो किसी ने उसकी फ़ोटो क्लिक करके और जो सोशल मीडिया के माध्यम से है वो शेयर किया। तो उस नोटिस में जो जानकारी थी, जो विद्यालयों के लिए जानकारी थी कि इन इन विद्यालयों में जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाना है और 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, मतलब कि 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम था वो अब 23 दिसंबर को भी होगा, और एक एग्ज़ाम होगा सुबह की शिफ्ट में, दूसरा इवनिंग शिफ्ट में, और फिर सेम 23 दिसंबर को ऐसा ही होगा। और जितने भी विद्यार्थी हैं तो अब 4 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम है वो देंगे, यानी कि उन विद्यार्थियों को बांट दिया जाएगा 4 शिफ्टों में, और किसी का पेपर 22 दिसंबर को सुबह होगा तो किसी का शाम को, किसी का 23 दिसंबर की सुबह होगा तो किसी का 23 दिसंबर की शाम को, और फिर चारों पेपर का जो लेवल है वो एक समान रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन वगैरह का जो प्रक्रिया है वो अपनाया जाएगा। और इसके साथ साथ एक जो र्यूमर फैल रहा था कि जो ये नोटिस है ये फेक है, फर्जी है पूरी तरह से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो नोटिस जारी हुआ है, देखने को मिल रहा है, ये फर्जी बिल्कुल भी नहीं है। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वहाँ भी इससे संबंधित जो है मीटिंग हुई थी, जिसमें यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम आपका अगले महीने होने वाला है, इसके साथ साथ जो आरओ यारो है, इन दोनों को लेकर जो चर्चा है वो वहाँ पर हुई, मीटिंग हुई, उसमें जो है वो मांगा गया कि कैसे क्या किया जाएगा। तो पीसीएस एग्ज़ाम के लिए तो ये हुआ कि एक ही उसमें, जैसा अभी आपका पहले एग्ज़ाम होता था वैसे ही कराया जाएगा, लेकिन आरओ यारो के लिए जो चीज़ चली है कि 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, वही सारी चीज़ें चल रही हैं, और जल्द ही आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिस है और उसमें किस तरह से एग्ज़ाम करवाया जाएगा, क्योंकि एक साथ आपका हिंदी और जीएस एक साथ कराने की जो निर्णय है वो लिया जा रहा है, क्योंकि आपको पहले पता है कि सुबह टाइम पे जीएस और शाम को जो हिंदी का पेपर है वो करवाया जाता, लेकिन अब 3 घंटे का समय देके एक साथ करवाने का प्रक्रिया जो है वो किया जाएगा। तो अभी इन सब चीज़ पे बात चल रही है और जल्द ही आपको इससे संबंधित जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो जो ये फेक वाली बात थी वो सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये ऐसी प्रक्रिया होने जा रही है। हालाँकि इसमें और जो है सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि विद्यार्थियों को इसमें असुविधा ना हो, और नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। हालांकि जिस प्रकार से पीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा था, अगर उसी प्रकार से आरओ यारओ का करवा लेते तो काफ़ी सही होता, लेकिन चलिए जो भी होगा, आयोग को सारी चीज़ें देखनी है। और जो इसकी नई परीक्षा तिथि थी वो भी जारी कर दी गई, यानी कि 22 दिसंबर तो थी, साथ में अब 23 दिसंबर भी इसका जो एग्ज़ाम है वो होगा। एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में करवाया जाएगा और एग्ज़ाम पैटर्न में भी जो बदलाव है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो सुबह शाम में होता था तो अभी एक साथ दोनों करवाए जाएंगे, तो इससे भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। तो इसमें आपकी अब रणनीति क्या होनी चाहिए, तो देखिए अगर रणनीति की बात की जाए यहाँ पर, तो आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है अपने स्टडी प्लान में। जैसा आपका स्टडी प्लान था सेम वैसा ही आपको जो है रूटीन फॉलो करना है, जैसे जो चीज़ें पढ़ रहे थे, कवर कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, सब कुछ वैसे ही करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले जैसे आपको अलग अलग होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर अब आपको 3 घंटे मिल रहा है तो आप इस 3 घंटे का जो सही समय का सदुपयोग है वो कैसे करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे लगातार बैठना प्लस इतना सारा पढ़ना और सॉल्व करना क्वेश्चन, और एग्ज़ाम हॉल का जो आपका प्रेशर है वो अलग चीज़। तो इसके लिए आपको जो मॉक टेस्ट हैं वो बैठ के देने हैं रूम में अकेले, और 3 घंटे लगातार, यानी कि 2 घंटे पहले जीएस का करिए, फिर हिंदी का लगातार, वैसे 3 घंटे आपको ये प्रैक्टिस करनी है, और हो सके तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए। अगर नहीं हो पा रहा है तो संडे बैठ के आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको अभी टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, रिवीजन भी करना है, ये सारी चीज़ें, तो आप संडे ऐसा बैठ सकते हैं, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर ज्वाइन करते हैं तो वो भी अलग बात है, वरना आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि 3 घंटे बैठ के आपको दोनों पेपर सॉल्व करने, टाइम मैनेजमेंट।
ठीक है। तो ऐसी कुछ रणनीति जो है आपको बनानी होगी एग्ज़ाम हॉल के लिए, क्योंकि अब पढ़ाई के लिए कोई अलग से रणनीति की ज़रूरत नहीं है, जैसी थी वैसी ही सही है। बस एग्ज़ाम हॉल के लिए अब आपको 3 घंटे वाली जो रणनीति है उस पर ध्यान देना होगा कि कैसे आप लगातार 3 घंटे बैठ के अपने दिमाग को शांत रख के और कैसे जो पेपर है वो सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब आपको सोचनी होगी। तो इन पर वर्क करिए और आगे अगर इससे संबंधित कोई अपडेट आती है तो निश्चित तौर पर आपको जानकर इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।